इस साल प्रिंट नहीं होगा बजट, डाउनलोड करें यूनियन बजट मोबाइल ऐप। हलवा सेरेमनी के मौके पर 23 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के बाद से बजट सत्र अब पेपरलेस हो गया है। जी हां, आजादी के बाद से ये पहली बार है जब बजट सत्र को और बजट सत्र से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट नहीं किया जाएगा। ये सभी जानकारियां आप सीधे यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर पा सकेंगे। इस ऐप से अब सीधे सांसद और आम जनता जुड़ सकेगी, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन पहल है। 29 जनवरी 2021 से बजट सत्र शुरू हो रहा है। सरकार ने इस साल कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए बजट की कागज पर प्रिंटिंग नहीं कराने का फैसला लिया है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे की भी कागजों पर छपाई नहीं होगी। आर्थिक समीक्षा 29 जनवरी को संसद के पटल पर रखी जाएगी। इस साल ये दोनों दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में सांसदों को दिए जाएंगे। आपको बता दें, इस बार का बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होगा और 15 फरवरी को समाप्त होगा। वहीं बजट का दूसरा सत्र 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। जानिए यूनियन बजट मोबाइल ऐप में आप क्या क्या पा सकेंगे। इस मोबाइल ऐप में बजट के सभी डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे। इसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट, वित्त विधेयक आदि की जानकारी होगी। इस ऐप में डाउनलोडिंग, प्रिंटिंग, सर्च, जूम इन और आउट, एक्सटर्नल लिंक आदि फीचर्स भी दिए गए हैं। इसका इंटरफेस यूजर फ्रेंडली है। ये ऐप अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में उपलब्ध है। ये एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। इस मोबाइल ऐप को यूनियन बजट के वेब पोर्टल से भी डाउनलोड किया जा सकता है। संसद में वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण पूरा होने के बाद बजट के दस्तावेज इस ऐप पर उपलब्ध होंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर यूनियन बजट के वेब पोर्टल का लिंक पा सकते हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।